हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकती हो। स्वेटर, कार्डिगन, लेडीज कार्डिगन, जेंट स्वेटर, जिस किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट ट्यूबल रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं ट्यूबल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 मल्टीपल में फंदा लेना है, मल्टीपल ऑफ 4। इसमें मैंने 4 मल्टीपल करके ट्यूबल फंदा डाला है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा में से 2 फंदा बनाना है, 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को पीछे की साइड से सीधा बुनना है, इस तरह से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 2 फंदा में से 2 फंदा बनाया। आपको रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर इस सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे। 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, एक फंदा बिना बुने स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप। आपको रिपीट करना है, धागा पीछे, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप थर्ड रो सेम रो वन के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर एफ सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को सीधा बुनना है पीछे की साइड से। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 2 फंदा को 2 फंदा बनाना है। आपको रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर ये सेकेंड फंदा को छोड़ के फर्स्ट फंदा को ऐसे सीधा बुनेंगे, पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो सेम रो टू के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, एक फंदा स्लिप।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप। आपको रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो सेम रो वन रो थ्री के जैसे बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर एफ सेकेंड फंदा को छोड़कर एफ फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे, पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। अब इस सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो, सिक्स रो सेम रो टू रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो, ये उल्टा फंदा को भी सीधा बुनना है, तीन, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, एक फंदा स्लिप। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो, सेवन रो में हम इस डिजाइन को आप यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बनाएंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, इस तरह से। फिर सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे, पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, दो फंदा को दो दो फंदा में से दो फंदा ही बनाया, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को दो फंदा बनाना है, दो फंदा में से एक फंदा बनाना है। फिर एफ सेकेंड फंदा को छोड़कर एफ फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर इस सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे, पीछे की साइड से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो, एट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, धागा पीछे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार,
एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे, सॉरी धागा पीछे रखना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। एट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब नाइन रो, नाइन रो सेम रो सेवन के जैसा ही बुनना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, इस तरह से। फिर ये सेकेंड फंदा को छोड़कर ये फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, धागा आगे, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। दो फंदा में से दो फंदा बनाया, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर ए सेकेंड फंदा को छोड़कर ए फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, सीधा बुनेंगे, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर ए सेकेंड फंदा को छोड़कर ए फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो, टेन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा उल्टा। टेन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब इलेवन रो, इलेवन अब इलेवन रो, इलेवन रो सेम रो सेवन रो नाइन के जैसा ही बुनना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर एफ सेकेंड फंदा को छोड़कर ए फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर सेकेंड फंदा को छोड़कर ए फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से, फिर ए सेकेंड फंदा को छोड़ के ए फर्स्ट फंदा को सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। इलेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप ट्वेल्व रो, ट्वेल्व रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो।
दो डिजन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा। एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। 12 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट 12 रोज का है, इन्हीं 12 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो 12 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।